और आदेशामनी बैरागी प्रेस क्लब के संरक्षक मैं मोहन सेन कछाव प्रेस क्लब अध्यक्ष और रिपोर्टर प्रेस क्लब के सचिव श्री दरबार सिंह कुमारी। आप हैं अशोक जी खींची, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीमच, वर्तमान में मंदसौर संसदीय क्षेत्र के युवा कांग्रेस के महासचिव हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप भी मलागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं? अगर दावेदार हैं तो आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगाकर अभी तक हर वर्ग का व्यक्ति दुखी और परेशान और प्रताड़ित हो चुका है इस सरकार की नीतियों से। और मैं लगभग 10 वर्षों से मलालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपलिया मंडी नगर में निवास करते हुए पार्टी की जितनी भी गतिविधियां होती है, धरने, रैली, आंदोलन, प्रदर्शन और मुख्य रूप से जो समस्याएं हमारी तहसील की रहती है, अस्पताल की रहती है और पुलिस थानों की रहती है, और जो हमारे पार्टी के प्रोग्राम हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के तन मन धन से हम सहयोग करते हुए काम कर रहे हैं। और आने वाले 2018 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अगर हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी विधानसभा क्षेत्र में विधायक पद के लिए अगर मुझे योग समझती है और मौका देती है तो निश्चित तौर से इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए हमारी तैयारी है। क्योंकि गांव गांव हमारी इस प्रकार से हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी के मार्गदर्शन में गांव गांव में मंडलम कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ और पोलिंग बूथ तक हमने हमारी कमेटियों का गठन कर लिया है। और एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग आने वाले 14 अगस्त को इस मलालगढ़ में करना चाह रहे हैं, उसमें प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपके कॉम्पिटिटर सीतागढ़ के सरपंच राकेश जी जावरिया है, जनपद मंदसौर के उपाध्यक्ष परशुराम जी सिसोदिया है और लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के श्यामलाल जी जोगचंद है, तो आपको क्या संभावना लगती है? देखिए, हमारे आदरणीय श्यामलाल जोगचंद जी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं हमारे, परशुराम सिसोदिया जी और हम लोग सब साथ मिल के लगातार बीजेपी की जनप्रतिनिधियों का लगातार यहाँ मलारगढ़ पिपलिया मंदसौर से लगाकर भोपाल दिल्ली के पहुंचकर वहाँ भी कार्यक्रमों प्रदर्शन में हम भाग ले रहे हैं। और चुनावी साल होते हुए अन्य कई लोग दावेदार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छी बात है। परंतु जिस प्रकार से पार्टी ने 2 बार हमारे श्यामलाल जी जोगचंद जी को मौका दिया है और बड़ी ताकत से चुनाव लड़े हैं और परिणाम हम कुछ ही वोटों से चुनाव हारे हैं, और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय परशुराम सिसोदिया जी भी जनपद में अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के लड़े लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसी की तरह मैं भी इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ, काम कर रहा हूँ। और पार्टी जिसे भी मौका दे, जिस भी हमारे साथी को कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को अगर हाथ का पंजा देगी और टिकट देगी उसके हम साथ हैं और तन मन धन से उसका सहयोग करके उसको ये बनाएंगे। किसान आंदोलन हुआ था उस चुनाव के दौरान इस किसान आंदोलन का क्या असर दिखाई देगा? देखिए कि हमारे किसान अन्नदाता जिंदगी में पहली बार अपनी खून पसीने की मेहनत से उगाई गई फसलों का दाम मांगने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से विगत 6 जून को पिपलिया मंडी में आंदोलन कर रहे थे और बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर हमारे 6 किसानों के सीने में गोलियां मारकर उनको शहीद किया गया। और लगातार जब हम साल भर बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया जिससे कि किसानों को फायदा मिले, तो आज इस क्षेत्र में आप जब भी देखिए कि जब इस क्षेत्र के विधायक जी हैं जगदीप देवड़ा जी गांव गांव जा रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से किसानों का उनको आक्रोश झेलना पड़ रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में किसानों और कार्यकर्ताओं का और जनता का, व्यापारी कर्मचारी भी विगत 1 साल से देख लीजिए लगातार कर्मचारी के संगठन के लोग धरने भी चल रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाराज है। तो आने वाले समय में कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर और शिक्षित हमारे रोजगार
साथी गण भी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये सब नाराजगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को आने वाले समय में भुगतनी पड़ेगी। 15 सालों से कांग्रेस वनवास भोग रही है और मुख्यमंत्री ने इतनी योजनाएं धरातल पे उतारी है कि हर किसान मजदूर व्यापारी सभी मतलब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तीर्थ दर्शन यात्रा मतलब पता ही नहीं कितनी योजनाएं उतारी, 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक और बिजली के बिल माफ़ किए हैं और संबल योजना है, इस प्रकार की अनेक योजना है। और अगर सरकार पुनः बीजेपी की आएगी तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक ही आपके सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है कि अगर सरकार किसान अन्नदाताओं का अपनी फसलों का सही अगर दाम दे दे तो उसको ना तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ज़रूरत है, ना ही अपने बच्चे बच्चे की शादी करने की चिंता करेगा, और ना ही वो आप जो बता रहे हो कि आंगनवाड़ी में और जिस प्रकार से कंट्रोल पे जो सामग्री दी जाती है, पिछले दिल्ली सरकार में 35 किलो गेहूँ मिलता था, शक्कर मिलती थी, सारी सामग्री मिलती थी, पर आज 5 किलो उनको गेहूँ दे रहे हैं और शक्कर नहीं मिल रही है और सारी चीज़ें, ये हर चीज़ हर काम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो इसलिए अब जो मन बना लिया है जनता ने कि इस सरकार को उखाड़ कर दिया। आप चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या योजना है कि आप विधानसभा चुनाव लड़के किस तरह से अभी जनता की सेवा बुलाए विधानसभा में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आदरणीय बैरागी जी आपका, कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनके समय में प्रत्येक 3 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल बनाए गए थे, 5 किलोमीटर पर मिडिल, हर 10 किलोमीटर पर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई थी। परंतु आप देखिए, आज हमारे मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे वो बंद हो गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अमलचूल पड़ती हुए परिवर्तन हो, और जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में चाहे अस्पताल ले लीजिए, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर हावी हुआ है और कहीं ना कहीं पालकों का, अभिभावकगणों का, मरीजों का, किसानों का इस सरकार में बहुत शोषण हुआ है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, सबसे पहले शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए ताकि जो महंगी शिक्षा अभी हमारे बच्चे ग्रहण कर रहे हैं वो नहीं हो, सुचारू रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में उनको समय पर इलाज मिले, क्योंकि हमारे जितने भी अस्पताल है, आपके भले पीपलिया ले लें, मलारगढ़ नारायणगढ़ ले लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है परंतु ना तो डॉक्टर हैं वहाँ पर, ना नर्सें हैं, स्कूलों में भी टीचर नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ से जिस प्रकार से फसलों का भाव किसान अन्नदाताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी खेती किसानी में काम करने से लागत तो ज़्यादा लग रही है पर उसका दाम हमको समय पे उचित नहीं मिल रहा है, उससे भी बहुत निराशा है, तकलीफ परेशानी। और किसान के पास अगर पैसा नहीं है तो पूरा बाजार बंद हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। किसान के पास अगर पैसा होगा तो पूरा बाजार चलेगा और हर दुकानदार को फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से लगातार इस सरकार में हर विभाग में बिना पैसे लिए दिए काम नहीं हो रहा है, वो हमारा प्रयास रहेगा अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले लोगों का काम आसानी से बिना पैसे में हर विभाग के कार्यालय में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और राहुल गांधी जी पिपलिया मंडी आए थे 6 तारीख को और वो बड़ी घोषणा कर गए कि अगर हमारी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा।